हाय एवरीवन, आई एम मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि आप फुल वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्किन टाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्किन टाइप का कैसे पता लगा सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को हमारी स्किन का टाइप पता नहीं होता और जो हम प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं हमारी स्किन पर और कई बार तो बैड इफेक्ट भी डालते हैं। पर जब हमें अपनी स्किन का टाइप पता होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या स्किन केयर से रिलेटेड हो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं और वो वर्क भी अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जिससे कि जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से अपने स्किन का टाइप भी पता लगा सकते हैं। तो उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में एक बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आप होंगे सबसे पहले नोटिफाई। वीडियो अच्छी लगे तो करिए उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। सो लेट्स चेक द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने स्किन टाइप का पता लगाने के लिए अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश की हेल्प से या क्लिंजर की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसको टॉवल की हेल्प से डैप ड्राई भी कर लीजिए। फिर उसके बाद उस पर कोई भी लोशन या क्रीम या टोनर को अप्लाई मत कीजिए, इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे ऐसे तो आपकी स्किन जो है एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी, जिससे कि आपको अपना स्किन टाइप डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगी। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद कोई भी आप कॉटन टिश्यू ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप अपनी स्किन पर इस तरीके से डैब मोशन में अपना स्किन का टाइप चेक कीजिए। स्किन टाइप जनरली 4 टाइप्स की होती है, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन। अगर आपके टिश्यू पे कोई भी ऑयल या फ्लेक्स नज़र नहीं आता है तो इट मीन्स ये आपकी नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन वाले बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन ना ज़्यादा ड्राई होती है और ना ही ज़्यादा ऑयली होती है। इनके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहता है हमेशा और इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलती है। ड्राई स्किन वालों की स्किन हमेशा टाइट फील करती रहती है, रफ टेक्सचर, डल कॉम्प्लेक्शन और विजिबल लाइंस की प्रॉब्लम्स इनकी स्किन पे हमेशा बनी रहती है। ये पूरे साल गर्मी हो या सर्दी, ये हमेशा ड्राई ही रहती है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वालों की स्किन हमेशा ऑयली रहती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा सीबम और स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादा स्वेटिंग की आने की वजह से इनका फेस हमेशा शाइनी लगता है। ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम इनकी स्किन पे हमेशा बनी रहती है और ये बहुत जल्दी डर्ट भी कैच कर लेती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इनकी स्किन पे हमेशा पिंपल्स की प्रॉब्लम्स रहती है। इस स्किन टाइप वालों को अपने स्किन की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन एरिया आपका ऑयली रहता है और जो बाकी का एरिया है या तो नॉर्मल रहता है या तो ड्राई रहता है। टी जोन एरिया हम उसे कहते हैं जैसे यहाँ फोरहेड से फोरहेड और ये चिन तक, ये टी शेप में है, इसलिए इसको टी जोन एरिया कहा जाता है। इसमें टी जोन एरिया ऑयली रहता है और जो बाकी का एरिया या तो नॉर्मल रहता है या तो ड्राई रहता है। टी जोन एरिया पे ऑयल ज़्यादा रहने की वजह से इनमें ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉम्बिनेशन वालों की स्किन गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो करिए इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर पूछिए। तो जल्द ही मिलते हो एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।